दोस्तों वैसे तो हमारे भारत में कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं जिनकी बेमिसाल खूबसूरती पूरी दुनिया से सैलानियों को खींच लाती है, पर इनमें से एक सबसे अलग प्रदेश है अंडमान और निकोबार, जिसकी तुलना की जा सकती है सिर्फ जन्नत से। आज हम आपको इस प्रदेश की खूबसूरती के साथ साथ इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार समूह में लगभग 527 द्वीप हैं, जिनमें से करीब 38 द्वीपों में ही लोगों का बसेरा है। अंडमान भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी शहर है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान का 90% हिस्सा जंगली है और बेहद चर्चित होने के बावजूद इस आइलैंड पे कई ऐसी जगहें हैं जहाँ इंसान नहीं पहुंच सका। इनमें से एक सबसे खतरनाक आइलैंड है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जहाँ इंसानों का जाना मना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पन्ने की द्वीप कहा जाता है। इसकी खासियत है इसकी खूबसूरती और चकित कर देने वाली वनस्पति और जीव जंतुओं की दुनिया। दूर दूर तक फैला साफ समुद्र, साफ स्वच्छ हवा, कई तरह के समुद्री पक्षी, काजू और नारियल के पेड़ और मनमोहक नजारों के साथ लजीज समुद्री व्यंजनों का अगर लुत्फ लेना है तो एक बार अंडमान निकोबार की सैर जरूर करनी चाहिए। साल भर यहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। स्कूबा डाइविंग जैसे एडवेंचर का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। प्रमुख पर्यटन स्थल होने के नाते अंडमान में लग्जरी से लेकर बजट तक सभी तरह के होटल हैं, जो आपकी यात्रा को आरामदेह बना देंगे। ज्यादातर होटल राजधानी शहर पोर्ट ब्लेयर में हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक बहुत ही लोकप्रिय समुद्र तट है राधानगर समुद्र तट। ये एशिया का सर्वश्रेष्ठ समुद्र तट और दुनिया का सातवां सबसे अच्छा तट है। इसका पानी वास्तव में नीले रंग का होता है। इस बीच पर आपको कछुए, बड़ी मछलियां और डॉल्फिन देखने को मिलेंगे। अंग्रेजी शासन में अंडमान का नाम काला पानी की सजा के लिए मशहूर था। यहाँ का सेल्युलर जेल आज भी स्वाधीनता संग्राम के नायकों की कहानी बयां करता है। हालांकि इस जेल को अब राष्ट्रीय स्मारक में बदल दिया गया है। अगर आप यहाँ घूमने जा रहे हैं तो यहाँ के लाइट शो को मिस मत कीजिएगा। सेल्युलर जेल के नजदीक स्थित कॉर्बिन स्कोप समुद्र तट अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए अंडमान में सबसे ज्यादा घूमा जाने वाला समुद्र तट है। अगर आप सूर्यास्त के नजदीक शानदार नजारों को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ का चिड़िया टापू घूम सकते हैं। अंडमान पर सबसे ज्यादा समुद्री कछुए पाए जाते हैं। धरती का सबसे बड़ा कछुआ भी यहीं पर अपना ठिकाना बनाता है। यहाँ तितलियां भी खूब देखने को मिलती हैं, इसलिए अंडमान तितलियों के लिए हैप्पी आइलैंड है। भारत में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि यहाँ के बैरन द्वीप पर है। आमतौर पर भारतीयों को बहुत मिलनसार माना जाता है, पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले मूल जनजाति के लोग बाहर से आने वाले लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ के मूल निवासी मुख्यतः जारवा जनजाति से हैं। अंडमान में कमर्शियल फिशिंग बैन है। यह धरती की उन चुनिंदा जगहों में से है जहां मछलियों को उम्र पूरी कर मरने का अवसर मिलता है। अगर बात की जाए अंडमान के खान पान की तो यहाँ का खान पान भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बिल्कुल अलग है। यहाँ के खान पान में ज्यादातर समुद्री जीव शामिल होते हैं। हालांकि ये एक पर्यटन स्थल है, पर यहाँ खाने पीने की लगभग हर चीज उपलब्ध है। अंडमान में सबसे ज्यादा बंगाली भाषा बोली जाती है। इसके अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा भी यहाँ लोग बोलते हैं। दोस्तों, क्या आप कभी अंडमान घूमने गए हो? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।